ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शुएब सिद्दीक है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। सुबह में मैं मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में होता हूँ और शाम में फेडरल हॉस्पिटल में होता हूँ। मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगा वो मतली और उल्टी आना है, जो कि हमारे मुल्क में कॉमन है और इस बहुत सारी वजूहात की वजह से होती है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अगर हम इसमें बड़ी बड़ी वजूहात को देखें तो मैदे के अंदर सोजिश होना या मैदे में जख्म का हो जाना, इसके अलावा जो है वो ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, सर का दर्द होना, एक ख़ास किस्म का हेडेक होता है माइग्रेन जिसमें ये जाहिर होती है, चक्कर का आना या कानों का इन्फेक्शन होना, और बड़ी आंत या छोटी आंत में रुकावट का पैदा होना। तो ये तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, लेकिन हम मुख्तसर सी अगर बात करें सेहत के हवाले से तो हमें इसमें दो हिस्सों में लोगों को डिवाइड करना होता है। एक वो जो लेस देन 40 होते हैं और एक वो लोग जो मोर देन 40 इयर्स के होते हैं। लेस देन 40 इयर्स के अंदर अगर ये अलामात जाहिर हों तो हम मैदे के हवाले से चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे होते हैं, जिसमें यकीन ख़ास तौर पर वो यंग पॉपुलेशन जनरेशन है जिनकी आउटसाइड फूड ईटिंग की बहुत ज़्यादा हिस्ट्री हो, जंक फूड्स की हिस्ट्री हो, या इसके साथ साथ जो है वो टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, ये सारी वो चीज़ें हैं, या लाइफ स्टाइल आपका प्रॉपर ना हो, वक्त पे सोना ना हो, वक्त पे उठना ना हो, लेट डिनर हो, ये वो सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से मैदे में सोजिश हो जाना, उसकी वजह से जो है वो तेजाबियत का होना और फिर अल्सर का बनना, वॉमिटिंग की सूरत में या मतली की सूरत में जाहिर होना होती है। ख़ास तौर पर उन लोगों में ये अलामत और ज़्यादा जाहिर होती हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा हो, ओवरवेट हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर कोई मोर देन 40 इयर्स में है तो ये वो एज होती है जिसमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स ज़्यादा मुतासिर करते हैं। ज़रूरत होती है इसमें कि आप अपना रेगुलर चेकअप कराएं डॉक्टर के साथ, अपना ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें, शुगर को देखते रहें। इसी तरीके से अगर मैदे के हवाले से कोई अलामत हो रही हैं तो अपने कंसल्टेंट से, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो या फिजिशियन, उससे जल्द अज़ जल्द रब्ता किया जाए। और इसी तरीके से अगर खुदा ना करे वज़न तेज़ी से गिर रहा है किसी का या खून की कमी हो रही है तो वो ये अलामत हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है कि अर्जेंटली किसी भी मेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनसे जो है वो अपना चेकअप कराया जाए और इस बात को देखा जाए कि क्या इसकी वजूहात हैं। बाज़ दफ़ा बहुत ही मुख्तसर सी जो है वो ट्रीटमेंट से ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं। बाज़ लोगों को जब हम मैदे की तेज़ाबियत के लिए और उसकी सोजिश को कम करने के लिए दवाइयाँ देते हैं तो वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर चक्कर के लिए और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो सकती हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि तशखीस हो और उसके साथ साथ फ़ौरन से इसका जो है वो इलाज हो। मेरा ये मैसेज होगा कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को सादा बनाएं और अपने खाने की आदत को बेहतर करें, अपने सोने के वक्त को बेहतर करें और कोशिश करें कि हम अपनी लाइफ में थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें तो ये चीज़ें हम बहुत आसानी के साथ जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने जैसे शुरू में बताया कि मैं दोनों हॉस्पिटल्स में मौजूद होता हूँ और अगर कभी भी किसी भी जगह पर मेरी किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत महसूस होती है तो आप मुझे ओला डॉट के ज़रिए जो है वो अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं और हम इन चीज़ों को अपने क्लिनिक में बैठ के डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू। अब पाकिस्तान के हज़ारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ।